मैं चाहता हूं कि तुम शॉर्ट नोट अलग से मत करो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का। तुम डायरेक्टली ये करोगे ना, और मेरा एडवाइस है इसमें से करो। ये जो है अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है। किसने एस्टेब्लिश किया है? स्टेट गवर्नमेंट। ये किसकी जवाबदारी फॉर्म करने की? स्टेट गवर्नमेंट की है। ये किसकी जवाबदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। मतलब डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमीशन, ये दोनों को एस्टेब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन को एस्टेब्लिश कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट से पता चलता है कि कौन कौन चाहिए प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पे स्टेट कमीशन में कौन चाहिए? जज ऑफ हाई कोर्ट, सिटिंग और रिटायर्ड। सिटिंग और रिटायर्ड, सिटिंग मतलब जो अभी जा रहा है कोर्ट में, और रिटायर्ड मतलब जो पहले रिटायर हो चुके हैं। ये इज या तो जज है या तो रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के मेंबर। यहाँ पे दो मेंबर है, यहाँ पे चार, यहाँ पे चार। नॉर्मली नेशनल कमीशन में ज्यादा रहते हैं। सो इसका क्राइटेरिया इज 1+2, 1 प्रेसिडेंट, 2 मेंबर्स, 1+2 एंड 1+4। तुमको 10 में से 9 एग्जाम में एक डिस्टिंग्विश आता है इसका। डिस्ट्रिक्ट स्टेट आएगा या स्टेट नेशनल आएगा, रेयरली डिस्ट्रिक्ट और नेशनल आएगा। नॉर्मली ये दो आने का चांस रहता है या ये दो आने का चांस रहता है, इसलिए तीनों साथ में कर लेना। मेंबरशिप टेन्योर क्या है? 5 और 6, 5 साल या तो 65 विच एवर इज अर्लियर, 5 या 67 विच एवर इज अर्लियर। ये 5 या तो फिर विच एवर इज प्रिस्क्राइब। नॉर्मली 70 मैंने तुमको, इसका भी 67 किया है क्या? इसका भी 67 किया है, ठीक है ना। सो प्रिस्क्राइब्ड 67, मैं जस्ट तुम 70 नहीं करना, 67 करना, क्योंकि नया एक्ट में 67 बोला है। एरिया कवर्ड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पूरा देश। दिल्ली में है ये, महाराष्ट्र में है, नासिक के कोर्ट में मिल जाएगा। मॉनिटरी कितना है? 1 करोड़ तक, ये 1 से 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ के ऊपर ही लेंगे। अपील, सीधी बात है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर तुम खुश नहीं है तो तुम स्टेट कमीशन जाओ, स्टेट कमीशन का ऑर्डर तुम खुश नहीं है तो नेशनल कमीशन जाओ, नेशनल कमीशन का ऑर्डर खुश नहीं है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ये तुमको 45 दिन, ये 8वां पॉइंट एक और डाल देना कि ये 45 दिन, ये 30 दिन, ये 30 दिन होगा, ठीक है ना। तो तुमको 30 दिन के अंदर जाना पड़ेगा। इस हिसाब से तुम्हारा ये जो डिफरेंस है वो तुम इसको कंप्लीट करोगे।